गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जल्दी से मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। बहुत बढ़िया, चलो जल्दी से मेरी आवाज आ रही है तो हम अपना जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में अपने सारे पुराने डिस्कशन कंप्लीट कर लिए थे, नाउ स्टार्ट विद न्यू चैप्टर। किसी को कुछ बोलना है, कोई क्वेश्चन डाउट? आप लोगों का एक काम मेरे से रह गया है, सॉरी, प्लेलिस्ट मैंने अपडेट नहीं की अभी लेक्चर्स की, तो वो मैं कल मॉर्निंग में कर दूंगा, ठीक है? सॉरी, बाकी लोगों को आ जाने दो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैलेंडर, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो रहे हैं बच्चे हमारे। आवाज क्लियर है या और तेज बोलूं? क्लियर है सर। चलो, कैलेंडर कोई बताएगा क्या होता है? कैलेंडर डेट शोइंग, ठीक है। चलो, तो पहले सबसे पहले कैलेंडर आने से पहले आपको एक टर्म आना चाहिए ऑड डे, क्योंकि हमारे जो कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब ऑड डे पे डिपेंड करते हैं। क्लियर है? अरे क्लियर है, तो ऑड डे का मतलब क्लियर है सर। मैं ऑड डे का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, पहले कि ऑड डे होता क्या है, पहले मेरी कहानी सुनना पूरा, तब ऑड डे आपको समझ में आएगा, तब हम बात करेंगे क्या है। अगर हम 10 को 7 से डिवाइड करें, 10 डिवाइड बाई 7, तो रिमाइंडर कितना आएगा? एनीवन? 3। तो रिमाइंडर आएगा 3। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं कि मैंने 100 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 30। रिमाइंडर, पहली बात, अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना किसी भी नंबर को, तो रिमाइंडर 7 से ज्यादा नहीं आ सकता, पहले ये चीज क्लियर है। एनी नंबर्स को अगर हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कभी 7 से ज्यादा नहीं आएगा, ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। 100 तो 30 रिमाइंडर नहीं आएगा, 100 को 7 से डिवाइड करो, बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, पक्का? चलो, आप मान लिया आपकी बात सही है। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि 200 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ओके, अगर मैं 300 को 7 से डिवाइड करूं तो 6। ओके, अच्छा अगर मैं 400 को करूं तो 4। दोबारा करो अगेन। 400 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। 1। बोलो, यहाँ तक ये क्लियर हुआ कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है सबको? चलो, तो यहाँ तक, तो यहाँ तक अभी तक क्या समझे कि 7 से डिवाइड करके जो नंबर आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है? अरे भाई, मैंने अभी इतने सारे डिवाइड करके बताए, सारे स्क्रीन पर दिख रहे हैं, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। आई थिंक आप लोगों का जो बोल रहे हो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है अब? आ रही सर, अब आ रही है। अभी तक मैंने जो रिमाइंडर नाम का वर्ड बताया, एक बड़ा सा कोई मैसेज आया था उसे पढ़ रहा था मैं। चलो, तो अभी तक जो रिमाइंडर बताया वो क्लियर हो गया? यस सर। चलो, आई थिंक अगर आपका ये क्लियर हो गया तो ऑड डे क्या होता है? तो कैलेंडर के टर्म में ऑड डे कुछ नहीं है, वही ऑड डे है। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उसी को ऑड डे बोलते हैं। रिमाइंडर का नाम बदल के ऑड डे रख दिया, चलेगा? तो कैलेंडर की लैंग्वेज में जो रिमाइंडर आता है 7 को डिवाइड करने पर उसी को ऑड डे बोलते हैं। तो देखो, पढ़ो इंग्लिश में, द रिमेनिंग डे आफ्टर कैलकुलेटेड कंप्लीटेड वीक और ऑड डेज। कंप्लीटेड वीक मतलब 7 से डिवाइड किया, वीक 7 डे का मानते हैं। द फाइंड द डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द डे फ्रॉम 7, रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डे। तो इतनी कहानी समझ में आ गई कि किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने पर जो आता है उसे रिमाइंडर बोलते हैं, लेकिन कैलेंडर के टर्म में उसी को हम ऑड डे बोलते हैं। क्या ये कहानी क्लियर है?
कि कोई भी बड़ा सा नंबर लेंगे, उस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसी को ऑड डे बोलेंगे। यहाँ तक समझ लो क्या है कैसे, वो समझा देता हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि कैलेंडर स्टार्ट कब हुआ था। कैलेंडर स्टार्ट हुआ था 1 जैन 0001 को, क्लियर है। 1 जून सन 1 में स्टार्ट हुआ था, उस दिन मंडे था। ये हमारे कैलेंडरों का रेफरेंस है कि उस दिन हम क्या मान के चलते हैं, मंडे मान के चलते हैं। तो वन रेफरेंस डे का, वन ऑड डे का मतलब होता है मंडे, टू का मतलब ट्यूजडे, थ्री का मतलब वेडनेसडे, फोर का मतलब थर्सडे, फाइव का मतलब फ्राइडे, सिक्स का मतलब सैटरडे, अगर 7 या 0 जो तुम्हारी इच्छा उसका मतलब संडे। सबको क्लियर यहाँ तक? यस यस सर। तो अभी तक क्या समझाया, पहले उसे एक सॉर्ट कर देता हूँ। एक नंबर 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया, अगर रिमाइंडर 2 आया तो ट्यूजडे बोलेंगे, 3 आया थर्सडे बोलेंगे, 4 आया थर्सडे बोलेंगे, 3 आया वेडनेसडे बोलेंगे, 6 आया सैटरडे बोलेंगे, 0 आया संडे बोलेंगे, क्लियर। अब वो नंबर क्या है वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कंफ्यूज तो नहीं होगा ऑड डे में? नो सर। अब मैं आपको ऑड डे की कहानी समझाता हूँ। ऑड डे की कहानी समझ लीजिए सब लोग। आपको इतना पता होगा कि हमारे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर 31 डे के होते हैं। कितने दिन के होते हैं? 31। अगर हम इस 31 को 7 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3 आएगा कि नहीं, चेक करिए। यस। फरवरी अगर नॉर्मल ईयर की बात करी जाए तो 28 डे की होती है, अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 0 आएगा कि नहीं? Yes. आएगा सर। फरवरी लीप ईयर में 1 आएगा, देख लीजिए इन महीनों में 7 से डिवाइड करो 2 आएगा। तो लीप ईयर का मतलब, सॉरी, तो ऑड डे का मतलब समझ में आ रहे हो कि जितने दिन है 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आया वही ऑड डे है। अभी तक इतनी कहानी समझ लो, ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें हमारे 3 ऑड डे होते हैं। जो 31 मंथ है उनमें 3 ऑड डे होते हैं, 30 वाले में 2 ऑड डे होते हैं, और फरवरी में ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, लीप ईयर में 1, नॉर्मल में 0। याद कर पाओगे टेबल? यस यस सर। चलो अब हम और आगे की कहानी करते हैं। ये ईपीएल, ये नॉर्मल ईयर, लीप ईयर क्या है? तो आपको बचपन से ये सिखाया गया होगा कि जो ईयर 4 से डिवाइड होते हैं उन्हें लीप ईयर बोलते हैं। सुना है बचपन से? यस सर। अच्छा, लेकिन कुछ ईयर ऐसे भी होते हैं बेटा जो 4 से डिवाइड होते हैं फिर भी नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ऐसा भी जादू होता है। हमारे कुछ ईयर ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं बट वो लीप ईयर नहीं है। समझ में आया? क्या बता देता हूँ। तो पहले तो बोला नॉर्मल ईयर विच नॉट डिविजिबल बाई 4 इज नॉर्मल ईयर, जो 4 से डिवाइड नहीं होते उन्हें नॉर्मल ईयर। और जो सेंचुरी है, सेंचुरी ईयर का मतलब समझते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, वो अगर 400 से डिवाइड नहीं होते तो उन्हें हम नॉर्मल ईयर ही कंसीडर करते हैं। मतलब जो 100 है, 200 है, 300 है, 500 है, 600 है, 700 है, 900 है, 1100 है, 1300 है, 14 है, 15 है, 19 है, 200 है, ये हमारे लीप ईयर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। लेकिन जो हमारे 400, 800, 1200, 2000, 1600 ये सब हमारे लीप ईयर है। तो जो हमारे सेंचुरी ईयर उनको हम अलग बात करते हैं, नॉन सेंचुरी ईयर को अलग बात करते हैं। सेंचुरी ईयर में केवल ये आपके लीप ईयर है जो मैंने नीचे मार्क किए हैं और बाकी ये सब नॉर्मल ईयर है। और बाकी जो सेंचुरी ईयर के अलावा जैसे बोला जाए 2088, 2092, 2086, 2585, तो ये सब ईयरों को हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो 4 से डिवाइड हुए तो लीप ईयर वरना नॉर्मल ईयर। क्लियर है सबको? पहले मतलब समझ में आ गया। अच्छा चलो अब हम बात करेंगे इनके ऑड डे की। एक मिनट, मेरा इंटरनेट शायद कुछ गड़बड़ कर रहा है कुछ लोगों को, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रॉपर इंटरनेट ठीक है। नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? नॉर्मल ईयर में 365। 7 से डिवाइड करके मुझे ऑड डे बताओ। 1 ऑड डे। ये पीपीएफ की आपकी पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिल जाएगी। मैं आपको नोट्स भी पूरी ये आपको एक वर्ड फाइल में सजा के आपको पीडीएफ बना के देता ही हूँ, नोट्स आपको क्लास के बाद मिल जाएंगे। अच्छा, लीप ईयर में कितने होते हैं?
टू ऑड डे 66 क्लियर है। आप 366 को 7 से डिवाइड कर लो आपको ऑड डे मिल जाएंगे। यहां तक कैलकुलेशन सीख गए? यस सर। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें यहां तक कैलकुलेशन हमारी समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कैलकुलेशन में क्या समझा अभी तक कि एक बड़ा सा नंबर ये जितने दिन डिवाइड बाय 7 तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डे निकल के आ जाएंगे। नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1, लीप ईयर में यहां पर चलो इसे बाद में बात करेंगे। तो हमारा अब तक क्या-क्या निकल गया मैं एक समरी कर दूं, एक समरी में बता दूं। समरी ये कि जो नॉर्मल ईयर है उसमें 1 ऑड डे होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, इनमें हमारे 3 ऑड डे होते हैं, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें हमारे 2 ऑड डे होते हैं। बोलो भाई, फरवरी में 0 भी होते हैं नॉर्मल ईयर के लिए, 1 होता है लीप ईयर के लिए। क्या आपको इतनी कहानी याद कर सकते हो आप? यस सर। तो ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया, नॉर्मल ईयर 1, लीप ईयर 2, जनवरी ये सब 3, फरवरी ये सब, सॉरी फेब नहीं आएगा इसमें, सॉरी अप्रैल से होता है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये 2 और फरवरी 0 या 1। यहाँ तक अभी तक इतना ही बताया। चलो अब मैं बात करता हूँ 400 की, प्लीज समझना मेरी बात। तो मैं फिलहाल अभी बात कर रहा हूँ, मैंने सपोज करो 2001 से 2100, मैं 100 ईयर की एक साथ बात कर रहा हूँ, समझ में आया? 100 ईयर में क्या होगा, 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 आता है, 100 को 4 से डिवाइड करो 25 आता है कि नहीं? यस सर। यस। लेकिन अभी आपको बताया 2100 लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। तो होगा कि 100 ईयर में तुम्हारे 26 तो ऑड ईयर है, नॉर्मल ईयर है, और 24 आपके लीप ईयर है। सही माया, क्योंकि 2100 आपका नॉर्मल ईयर है, तो तुम्हारे लीप ईयर कौन कौन से आएंगे? 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24, 28, .. 96 है, 2100 आपका लीप ईयर नहीं है। तो ये चीज क्लियर है। और 26 ऑड डे में हमें बताया था नॉर्मल ईयर में एक हमारा ऑड डे होता है, तो 26 ऑड डे, और 24 ईयर में हमारे 48 ऑड डे, तो टोटल होते हैं 124 ऑड डे, जिसको 7 से डिवाइड किया तो 5 आंसर निकल गया है। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। यस। यही कहानी तुम्हारी इस ईयर के लिए होगी, यही कहानी इसके लिए होगी, इसलिए इनके 5-5 ऑड डे आ गए। ये टेबल आपको आप आराम से बैठ के क्लास के बाद पूरा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब जब 23001 और 2400 की बात करें तो 2400 लीप ईयर है कि नहीं? अरे yes, 400 से डिवाइड होता है, हमने बोला सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होना चाहिए, 2100 डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर, लेकिन 2400 400 से डिवाइड होता है इसलिए लीप ईयर। क्लियर है? तो ये लीप ईयर है तो हमारे लीप ईयर कितने हो गए? 25, और नॉर्मल ईयर हो गए हमारे 6 ऑड डे। क्लियर है? चारों का टोटल कर लो तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि 400 साल में 0 ऑड डे होते हैं। ये कहानी समझ में आई कि नहीं? पूरी पीपीटी तुम्हारे आगे है, पूरा रिसर्च पेपर तुम्हारे आगे है कि ये 0 कैसे आया, 5+5+5+6, हर 400 साल में यही होगा। तो 400 साल में टोटल ऑड डे 21 आएंगे, 21 7 से डिविजिबल है, इसलिए 400 साल में कोई ऑड ईयर नहीं होगा, ऑड डे नहीं होगा। अरे क्लियर? क्लियर सर। यस। अब आप बता सकते हैं कि हमारा कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है? 400 साल के बाद। यस। तो 400 साल के बाद हमारा कैलेंडर एज इट इज रिपीट होता है, ये बात समझ गए? यस सर। ये बात आज से पहले पता थी? यस सर। आप पहले पढ़ चुके हो, उनकी बात नहीं कर रहा, जो आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। नो सर। कुछ लोग जो पहले पढ़ चुके इसलिए उनको सब पता है, इसलिए ये कहानी चिल्ला रहे हैं। चलो अब मैं एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, फिर डुप्लीकेट क्वेश्चन आपको कर दें, चलेगा? चलो हमें बताएगा कि 15 अगस्त 1947
को क्या दिन था ये हमें बताना है, क्लियर है? अरे yes. बोलो, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, हमें अब कुछ पता ही नहीं, हमको तो पहले दिन से बात करेंगे, तो क्या पहले 400 साल का ऑड डे जीरो, क्या 1600 साल तक ऑड डे जीरो हो जाएगा? क्योंकि हर 400 साल का ऑड डे जीरो होता है, तो पहले 1600 साल का ऑड डे जीरो। yes. मुझे 1947 तक आना है, मुझे एक मिनट, मुझे 1947 तक की बात करनी है। अभी मैंने 1600 साल की बात करी, तो 1600 साल तक जीरो। अगर मैं 1900 तक आना है तो मुझे 1700, 1800, 1900 तीन साल और झेलने पड़ेंगे। तो मैंने बताया था कि 100th century ईयर में 5 ऑड डे होते हैं, जिसको समझ में नहीं है वो यहाँ से देख सकता है। जो नॉर्मल तुम्हारे जो 100 साल हैं, 100 ईयर हैं या सेंचुरी हैं, उनमें 5 ऑड डे होते हैं, क्लियर है? तो हमारे जो तीन जो हमारे, तो हमारे बात करी जाए कि कितने ऑड डे होंगे, तो ये हमारी ये तो हो गई 1600 साल तक की बात हो गई। ये वाली कौन सी बात है, ये बात कर रहे हैं हम 1600 से लेके 1700 तक में, सॉरी 1900 तक में। अभी से उधर ही लिखे क्लास, तो मैं कहता इधर आपके आधे घंटे का ब्रेक, आप आधा घंटा वहां कहां बैठेंगे? सवा चार पर वहां से छूटोगे आप नीट वाली क्लास से, और उसके बाद ये आपकी 445 पे 12 से 445 तो दीपक की है, आज नहीं लिया उसने क्योंकि मेरे पेपर के चक्कर में। दीपक का भी तो वहीं पे क्लास है, दीपक तो यहाँ के लिए नहीं, दीपक को तो बीच में एक घंटा मिल रहा है, उसके भी एक घंटा वहीं थोड़ी बैठ के बाद तुरंत वहीं पे। दीपक की हाँ। दीपक की जो क्लास है ना 3:30 बजे से, 3:15 से, 3 बजे से, 3:15 से, 3:15 से, 3:15 से 4:45, 3:15 से 4:45 आपकी भी 4:45 से, आपकी सवा चार, आधा घंटा आपको वहीं बैठना पड़ेगा, आप वापिस आके तो दोबारा जाओगे नहीं, इसलिए बोल रहा था मैं। 4:45 से, 4:45 से, 4:45 से, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वही तो मैं आपको उस समय कह रहा था, मुझे आधे घंटे सर को वहाँ बैठने में दिक्कत, मतलब आधे घंटे कहाँ बैठेंगे, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, और क्लासरूमों की आदत पता ही है तुमको, एसी कैसा है। चलो तो 1900 तक क्लियर है सबको? Yes. Yes, चलो अब हम बात करेंगे yes, yes. अभी हमें 1947 तक आना है, तो 1947 से पहले 46 ईयर आएंगे कि नहीं? अब 46 को आप 11/4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, क्या 11 बार डिवाइड होगा? 11 तो 11 बार जाएगा, तो yes, इसका मतलब ये है कि 46 ईयर के अंदर 11 लीपे रहने वाले हैं। 46 ईयर के अंदर 11 लीप ईयर आने वाले हैं, तो 46 प्लस 11 तो ये हो जाएगा 57 ऑड डे, क्लियर है सबको? अगर हम सबकी बात कर ले तो 57 ये और 15 ये टोटल हो जाएंगे तुम्हारे 72, तो ये 2 ऑड डे निकल के आएगा। ये कहां तक निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 31 दिसंबर 1946 तक, हमारा 1946 तक का कैलेंडर कंप्लीट कर दिया है। पहले यहाँ तक क्लियर हो जाए तब बताना, सोच लो समझ लो। पहले हमने 1600 साल की कहानी अलग कर दी, फिर 1600 से लेके 1900 तक की बात की, तो 3 सेंचुरी है, हर एक सेंचुरी है में 5 डे, तो 5 × 3 = 15 ऑड डे, क्लियर है सबको? तो फिर हमारे यहाँ 1901 से लेके ये जो 46 है वो क्या है, वो 1901 से लेके आपको पहला क्वेश्चन है, इसलिए ऑड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगेंगी। तो 1946 तक 46 ईयर में 11 लीप ईयर होंगे, इसलिए 11 और ऐड कर दिए 57, दोनों का सम 2 ऑड डे। सर बट लीप ईयर में तो 2 ऑड डे होते हैं ना, सो यहां 22 आना चाहिए ना। हाँ अगर बेटा ये अच्छा, तो अगर तुम ये कह रहे हो कि 46 में 11 लीप ईयर है, तो क्या 35 नॉर्मल ईयर बचे कि नहीं? फिर सर तब कोई दिक्कत नहीं, तो वो तो मैंने आपके लिए सोचा ही था, लेकिन फिर अभी तो उन्होंने फिलहाल वही कर दिया कल के लिए। तो क्लियर हो गया बेटा ये? सर मेरा मतलब है कि हमने पिछले टेबल में देखा था कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। अच्छा बिल्कुल सही देखा था आपने, तो 11 लीप ईयर में 22 हो गए और 35 नॉर्मल ईयर हो गए,
तो दोनों को ऐड करके 57 आएगा। यहाँ पर क्या किया बेटा, हमने ईयर उतने ही लिखे हैं, तो 11 लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा ही तो होता है, तो एक्स्ट्रा 11 को 11 लिख दिया है। आप वो समझो, अगर आप बोर्ड डे लिखोगे तो आपके नॉर्मल ईयर तो 35 ही है ना, आपके नॉर्मल ईयर कितने 35 ही है ना, तो नॉर्मल ईयर 46 लिखा है, तो 46 हमारे जितने ईयर थे वो प्लस लीप ईयर को उतना ऐड करके टोटल 57। यहाँ तक क्लियर हो सबको तो बताओ, तब मैं आगे समझाऊं। अभी हम पहुंच गए 31 दिसंबर 1946 तक। अब हम 47 में एंट्री करें। यस सर। 47 पहले आएगा जनवरी, जनवरी में होते हैं 3, फरवरी में होते हैं 0 क्योंकि 47 लीप ईयर नहीं है, मार्च में होते हैं 3, अप्रैल में होते हैं 2, मई में होते हैं 3, जून में होते हैं 2 और जुलाई में होते हैं 3। ऐड करो सबको तो 3 + 3 6 + 2 8 8 और 8 16 16 by 7 मतलब 2 ऑड डे। बोलो यहां सर, हमने अगस्त वाला एक ऑड डे क्यों नहीं लिया? अभी अगस्त लगा, अगस्त खत्म हुआ है क्या? जो महीना खत्म नहीं हुआ तो महीने की भी बात ही मत करो। ये हम बात करें अभी 31 जुलाई 1947 तक पहुंचे हैं अभी हम, अभी 31 जुलाई तक पहुंचे, अगस्त की बात अभी करेंगे। अभी अगस्त शुरू भी नहीं किया हमने, हम तो अभी जुलाई एंड कर रहे हैं। पहले आप समझो क्वेश्चन को, 15 अगस्त की बात हो रही है तो केवल 15 ऐड होगा, बाकी पूरे अगस्त का क्या चार्ट डालेंगे? हमको 15 अगस्त तक चाहिए तो 15 ऐड कर दिया, 20 अगस्त बोलता तो 20 ऐड करते, 35 बोलता तो 35 ऐड करते, बोलता कि अगस्त एंड तक तो पूरा 31 लिख देते। समझ में आया मेरी बात? यस सर, आ गई। आप पहले इसे अच्छे से समझ लो, कितना भी टाइम लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउट क्लियर रहना चाहिए। तो उसने बोला था 15 अगस्त, हमने पहले जुलाई एंड तक पहुंच गए, अब अगस्त में आए तो देखो 2 ऑड डे ये थे पुराने और 2 ऑड डे यहाँ से निकल के आए, तो इनको लिखा 2 + 2 और 15 दिन में 15 ऑड डे टोटल हो गए 19 को 7 से डिवाइड करो 5, तो हमने 5 का मतलब बताया था फ्राइडे। अब बताओ आप चाहे तो कैलेंडर जाके चेक कर लो, चाहे तो जाके चेक कर लो। तो हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 तो उस दिन मैं आपको बता दूं फ्राइडे था उस दिन, चाहे तो नेट पर जाके चेक कर लो। क्लियर हो गया? यस सर, क्लियर। यस सर। अब आपके लिए क्वेश्चन दूं? दो सर। चलो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपकी बर्थ डेट है, किसी की ये बर्थ डेट हमारी किसी की नहीं है कोई, 25 मार्च का किसी का बर्थडे आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं, चलो इसका निकालो डे, जैसे बोला है वैसे निकालो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 3-4 क्वेश्चन के बाद ये चीजें और अच्छी होती जाएंगी। हिंट के तौर पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, 2004 की बात कर रहा है तो पहले आप 0 से लेके 2000 तक की बात करो, जब 2000 की बात खत्म हो जाए तो फिर 2001 की बात करो, फिर 2002 की बात करना, फिर 2003 की बात करना, फिर आप 4 में जनवरी प्लस फिर फरवरी की बात करना, और फिर आप 25 मार्च तक की बात करना। पहले आप ये लिखना सीखो कि कैसे कैसे 25 मार्च आएगी। पहले हम 0 से 2000 ईयर तक आएंगे, फिर 2001 ईयर बात आएगी, फिर 2002 की ये बात आएगी, 2003 की बात आएगी, अब 2004 में नहीं आना, 2004 ही खत्म नहीं हुआ, चालू हुआ है, उसमें जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया और 25 दिन मार्च के खत्म हो गए। आप इस तरह से करोगे ना तो बहुत जल्दी होगा और समझ में भी क्लियर आएगा। करो जल्दी जल्दी। परसों से करा दो, नहीं मैं तो वो ये कहता, देखो वहां बैठने की फैसिलिटी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था। वो मैं समझ गया, 4:15 से रहता तो एकदम परफेक्ट रहता, वो तो फिर कहते नहीं आ सकते 15 मिनट, वो तो मुझे भी पता है। और आते से थोड़ा 5 मिनट वहाँ बैठने में क्या, वहाँ बैठने के लिए अच्छी वो नहीं है, सूटेबल नहीं है वहाँ, क्या कि क्लासरूम में इतना गर्मी है, आपने लेके देखा होगा आज
यहाँ की तरह वेंटिलेशन नहीं है वहां पर। हुआ किसी का? एक का आंसर आया था ट्यूजडे आ रहा है, एक का थर्सडे आ रहा है। चलो देखेगी क्या 2000 तक में जीरो हो गए, 400 2001 में कितने होंगे? एक। 2002 में? एक। 2003 में? एक ही। बहुत बढ़िया। जनवरी के तीन? यस। फरवरी में एक? यस। क्योंकि 2004 जो है ना, 2004 जो है ना वो लीप ईयर है, इसलिए फरवरी का एक सही आया। और 25 मार्च तक के 25। ये देखो एक ही लाइन में हो गया, इतना बड़ा नहीं करना पड़ता, एक ही लाइन में सब हो जाता है। तो ऐड करो 1 + 1 + 1 = 3, 3 = 6, 6 + 26 = 32 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। डिवाइड बाय 7 तो ये आएगा रिमाइंडर 4, 4 बोले तो थर्सडे। तो तन्मय आपने बिल्कुल सही किया था। यस क्लियर हो गया? बोलो सर, उस पर थ्री लिखा हुआ है ना, वो कैसे आया तो नहीं समझा। क्या कैसे आया बताओ, ये टेबल कैसे आई? थ्री थ्री कैसे आया तो नहीं समझ में आया। जनवरी में थ्री और डे होते हैं ना। देखो बेटा पहले देखो 25 मार्च की बात करते हैं, तो पहले जीरो से 2000 ईयर आया होगा, 2000 के बाद 2001 निकल के गया, फिर 2002, फिर 2003, फिर 2004 का जनवरी, फिर उसका फरवरी, फिर मार्च आया 25 मार्च। ये चीज क्लियर है? पहले 25 मार्च तक पहुंचने के लिए फ्लो चार्ट बनाओ, या फ्लो टेबल बनाओ, या फ्लो लाइन बनाओ, सीक्वेंस बनाओ, कुछ भी मान लो फ्लो सीक्वेंस। 2001 में एक और डे होता है क्योंकि नॉर्मल ईयर है, 2002 में एक, 2003 में एक, 3 + 1 सही माया। जनवरी में थ्री होते हैं, पहले याद करो टेबल में जाके। हाँ सर। जनवरी में थ्री होना, फरवरी में एक क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, 2004 ना लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर होता तो जीरो होता। अरे भेजे में बात गई कि नहीं? गई है सर, गई है। 25 मार्च का 25 सबको ऐड कर लो, 7 से डिवाइड कर लो। समझ में आया तो बताओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो उम्मीद करूंगा कि हमारे सारे बच्चे से अच्छे से आंसर देंगे। हमें पहले ही बता दिया कि लीप ईयर है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए पहले ही बता दिया गया कि लीप ईयर है। रुको गलत, सॉरी ये रहा, ये क्वेश्चन है। हमें पहले ही बता दिया गया कि 1776 जो था वो लीप ईयर था, तुम्हारे हिंट के लिए बता दिया ताकि तुम्हें ज्यादा दिमाग ना भिजा लगाना पड़े। करो इसको। तो कैसे जाएंगे, जीरो से लेके 1600 तक जाएंगे, उसके बाद 1601 से लेके 1700 तक की बात करेंगे, उसके बाद 1701 से लेके 1775 तक की बात करेंगे, उसके बाद जुलाई में जाना है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 17। फ्लो टेबल समझ में आई? ये लास्ट में 17 नहीं दिख रहा है तो +17। पहले ये देखो आपको फ्लो टेबल समझ में आई कि नहीं? सही से आगे समझ में। तो करो एक बंदे का तो आंसर, एक का वैष्णवी का आंसर आ गया, देखते हैं बाकी लोगों का क्या आंसर आता है। इसके बाद मैं आपको आपके बर्थडे का निकल पाऊंगा। सोलह सौ साल का कितना होगा? अंडा। 16 साल का कितना होगा? 1। 16 साल का जीरो होगा, 1 नहीं होगा, जीरो ही होगा। हाँ
1600 से 1700 5। बहुत बढ़िया। चलो अब मुझे इसका निकालना है, इसका ध्यान से देखना। इसका 75 ईयर का 75 और कोई मुझे बताएगा 75 ईयर में कितने लीप ईयर हैं? 10। गलत। 75 को डिवाइड करो 4 से 18 लीप ईयर। 18। तो क्या मैं इसे 75 प्लस 80 लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 75 प्लस 80 लिख सकता हूँ? यस सर, यस। चलो जनवरी का 3, फरवरी का लीप ईयर है तो 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, जनवरी का 3, फरवरी का 1, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3 और जून का 2 और 17 दिन का 17। ये टेबल आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान जाने वाले हैं। चलो ऐड करो तो ये हो गया 98 हो गया ये प्लस, ये तीनों को मिला लो 7 हो गया, इन तीनों को मिला लो 7 हो गया प्लस 17। यहाँ तक क्लियर है? 98 7 से डिवाइड होता है, 7 डिवाइड होता है, 7 डिवाइड होता है, तो ये 17 डिवाइड बाई 7 करके देखो 3 आ रहा है कि नहीं। और 3 का मतलब हर कोई जानता है, वेडनेसडे। तो कार्तिक, श्रावणी और वैष्णवी तीन लोगों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छा सॉल्व किया। आंसर वेडनेसडे। इसी कह रहा था सर, वो अभी जयदेव की मम्मी आई थी तो वो बोल रही थी कि इसको थोड़ा बोलो कि केमिस्ट्री थोड़ा फोकस करे, तो मैंने कहा मैं सर को बोल दूंगा, वो एक और बात कर लेंगे उससे। बोला कि घर पे थोड़ा केमिस्ट्री कम पड़ता है, डरता है ये वो, थोड़ा मैंने कहा ठीक है मैं सर से बोल लूंगा, वो एक और बात कर लेंगे। उसके पेरेंट्स बोले वो बता रहा, मैंने ठीक है मैं सर को बोल दूंगा, वो बोल देंगे कि थोड़ा सा फोकस कर, क्या प्रॉब्लम, क्या थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे उनको जो लगता है मैंने वो बताया ना, उन्होंने बोला भाई ठीक है मैं सबको बोल दूंगा बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस सर। चलो ये करिए, इस दिन क्या हुआ था सर? रिपब्लिक डे। इस दिन क्या हुआ था ये बताएगा कोई? कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट हुआ था। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से डे निकालो। सबसे पहले आप लोग फ्लो चार्ट बनाया करो नोटबुक में, बिगर फ्लो चार्ट के नहीं होगा, चाहे आप कितने ही बड़े होशियार हों, चाहे कितने ही बड़े 30 मार्क का हों। धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हम कैलेंडर में जाते हैं, हमने जनवरी क्यों नहीं लिया, फरवरी क्यों नहीं लिया, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। हम डे बाय डे गए हैं, कैलेंडर को बिल्कुल स्टार्टिंग से इनिशिएट किया है। कोई तो आंसर दो यार। सर मैंने दिया है ना, स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। सर थर्सडे आया था। हाँ दो लोगों ने आंसर किया है, वैष्णवी ने और कार्तिक ने, कि थर्सडे था उस दिन। चलो देख लेते हैं, हमने तो कभी देखा नहीं कैलेंडर, आवाज पड़ा है जब आया। अरे यार चलो बात कर लेते हैं। तो क्या ये 15 आएगा 3 × 5?
देखते हैं ना थर्सडे फ्राइडे क्या है। 49 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे? 12 होंगे बेटा। यस सर, 12 और 12 एक ही होता है। अच्छा यस, मुझे तो पता ही नहीं था। सर आप हर टाइम बोलते हैं 12 नहीं आएगा आंसर 12 आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 7 से डिवाइड किया तो 1 आया। 61 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 26 को 7 से डिवाइड करोगे तो 21 5 आएगा, 11 आएगा, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। क्लियर है सबको? यस सर। 15, 61 and 26 के बाद 155 किससे आया? 15 को बेटा 7 से डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा, 61 को डिवाइड करो कितना रिमाइंडर आएगा, 26 को डिवाइड करो 7 से कितना रिमाइंडर आएगा। क्लियर? यस यस सर। चलो सोहम अपने डेट ऑफ बर्थ बताओ। सोहम छब्बीस जनवरी 2006। चलो तो सभी लोग निकालो जल्दी से, 26 जनवरी 2006 फटाफट निकाली जल्दी। 26 जनवरी 2006 2006 निकालो। 1, 2, 3, 4, 5 तन में अपना माइक बंद करो। गुरुवार सभी C2 बैच शुरू हो रहा है। आपका 2 घंटे भी लोड बढ़ने वाला है। C2 बैच स्टार्ट हो रहा है सर थर्सडे। अभी बच्चे बढ़ रहे हैं ना तो C2 अलग करेंगे। थर्सडे आया क्या देखते हैं। 0 से 2000 का तो 0 हो जाएगा सबको पता है। अब हम 2000 से लेके 2005 तक की बात करेंगे, और फिर उसमें केवल 26 जनवरी में केवल 26 ही दिन की बात करेंगे। क्लियर है? जनवरी हमारा पूरा हुआ ही नहीं है तो हम उसकी बात क्यों करेंगे। तो ये तो 0। 5 लीप ईयर में एक हमारा लीप ईयर है तो 5 + 1, क्योंकि 5 साल में केवल एक ही लीप ईयर आएगा, और 26 का 26। आई होप सबको क्लियर है। 32 / 7 4 रिमाइंडर आ गया। यस सर। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। चलो उम्मीद है ये दिन आप सीख गए। अब हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ध्यान से सुनना, इनको समझने की कोशिश करेंगे हम कि 12 मार्च इसमें क्या है। डे और मंथ सेम है, प्लीज समझिए। जो डे है 12 मार्च का 12 मार्च, डे और मंथ सेम है, बस जो फ्लक्चुएशन हुआ है वो ईयर का हुआ है। क्या आपको सही मारे जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? ईयर का। तो कितने दिन का फर्क आएगा वो हमें निकालना होता है। कर पाएंगे? करके बताओ एक क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन करके बताइए। अरे बताऊंगा ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर कर रहे हम कर रहे हैं सर। अरे भाई जो लोग पहले पढ़ चुके वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस क्लास में कुछ न्यू बच्चे भी हैं तो उनके लिए मैं सर फ्राइडे सर मुझे ठीक है। तो कल हम लोग कितने बजे रख सकते हैं? आप कितने बजे फ्री हो? 8 बजे से पहले कभी भी रख लो। 6 बजे सात बजे 6 से 7 क्लास है। चलो तो 2008 से 2022 की बात करेंगे। देखो तो जो सबसे बड़ा गड़बड़ कौन करता है? फरवरी करता है कि नहीं? तो हम ये देखेंगे फरवरी किस मंथ का आ रहा है। क्या हमारा फरवरी मैटर करेगा क्या 2008 में? क्या हमारा फरवरी मैटर करेगा क्या इसमें? नहीं करेगा ना। चलो तो हम बात करें 2019 से लेके 2022 तक। कोई बताएगा बताएगा कितनी ईयर का डिफरेंस है? 3, 4 साल का डिफरेंस है भाई। 4 यस सर, 4 इयर्स का डिफरेंस है। 19 देखो कौन कौन सी ईयर का, 19 का, 20 का, 21 का, 24 का। आप ये देखो जिस महीने का फरवरी आ रहा है ना वो हमारा हेडेक है। हमारा हेडेक है कि फरवरी किस महीने का आ रहा है, ये चीज क्लियर है। हम हमेशा जब भी डे और मंथ सेम होगा तो हम देखेंगे फरवरी किस किस का आएगा। तो इस टाइम के बीच में हमें फरवरी 19, फरवरी 20, फरवरी 21 और फरवरी 22 पड़ेगा कि नहीं? चलो तो 19 में कितना होते हैं? 1,
20 में दो ऑड डे होगा, 21 में एक ऑड डे होगा, 22 में एक ऑड डे होगा, केवल 5 ऑड डे हो गए। अरे 5 ऑड डे हो गए कि नहीं? अब 5 दिन, अगर संडे में 5 दिन ऐड कर दिए जाएं तो क्या होगा? फ्राइडे 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 आंसर हो गया फ्राई और डे हो गया फ्राइडे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। सर आप ऑड डे कैसे फाइंड कर रहे हैं? बोला यार 1 बजे करो ट्राई, हो गया ना 1 बजे तक पढ़ सकते हो। बोले सर 9:30 में, बोला 9:30 को आते 5:30 तक क्लास चल रहा है, ये कौन सा शेड्यूल बनाया है? फिर उन्होंने बताया ऐसा चल रहा है। मैं बोला भाई रुको मैं तुम्हारा चेंज करवाता हूं, वो 2 बजे 8 बजे आ रहे, 2 बजे फ्री होके चले जाने चाहिए। 11 का तो नहीं करता, 8 बजे से है, 8 से 2 तो दीपक को भी बुला लेना, आ जाएगा मीटिंग कल कल बात कर लेते, अभी गया तो छोड़ो क्या है कल कर लेते नहीं, 8 से 5:30 बहुत हो रहा है सर। नहीं तो 8 से 2 वही ना, मैं 9:30 से टॉप ऑफ बैच का क्यों नहीं, मैं आपको सही बताऊं, मैं आज 11 बजे उधर गया था सी बैच की विजिट के लिए, तो क्या कि 5 मिनट का ब्रेक हुआ या कुछ तो था? नहीं वो मैंने हटा दिया सारा ब्रेक, बोला कि सारा ब्रेक हटा उसको, क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा आर्बन बहुत पैक है, तो हम लोग वहाँ नहीं। सर पैक से मतलब नहीं है, मैं आपको बताऊँ क्या, यहाँ कम से कम खाली आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहाँ क्लास खाली है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। अरे वो छोड़ो, अब वहाँ खाली है ना तो आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं आएगी। वहाँ तो एक आदमी पकूर कर दिया, इसको वहाँ बैठा देंगे ना, एक आदमी बैठे। चलो मैं इसे सॉल्व करूँ आप, तो देखा 35 का हमारा फरवरी नहीं आ रहा है, तो हम 36 से बात करेंगे, 36 से लेके 82 तक कितने ईयर हो गए, 36 से लेके हमें 35 माइनस कर लो इसमें से, तो आपको पता चलेगा कितने ईयर आएंगे, 47 46 सॉरी उल्टा माइनस करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 8 48 सर मेरा तो 47 आ रहा है राइट। चलो अब पता करो ये 47 में लीप ईयर कितने हैं, आपका क्वेश्चन ये है कि 47 में लीप ईयर कितने आएंगे? 11 नहीं आएंगे बेटा, 12 आएंगे। इसमें सबसे पहले तो 36 आने वाला है, 40 आने वाला है, फिर 40 से 80 तक 10 और आने वाले हैं 80 तक, टोटल 12 आएंगे, क्योंकि जो कहानी है ना वो लीप ईयर से स्टार्ट हो रही है, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं वही लीप ईयर है, ये एक ही दिन की गलती ना हमारा आंसर गलत कर देगी। आप ये समझो कि हमारा जो लीप ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1946 से स्टार्ट हो रहा है, 1936, 40, 44 ऐसे आप करके देखो 80 तक, आपको 12 मिल जाएंगे, काउंट करके देखो। हमें ये मैटर करता है कि पहला लीप ईयर हमारा, आई होप क्लियर मेरी बात? यस सर। तो हमारे 12 लीप ईयर आएंगे, नहीं तो उंगलियों पर काउंट कर लो 36, 40 ये सब काउंट करके देख लो, तो हमारे टोटल लीप ईयर ऑड डे हो गए 49, 7 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, 0, तो ऑब्वियसली बात है इस साल में क्या होगा, संडे था संडे ही रह जाएगा। कंफ्यूजन हो डाउट हो बोलिए। सर ये 47 + 12 = 49 ना, सॉरी वेरी गुड बहुत सही बोला, ये 59 आएंगे, 3 आएगा, 3 ऑड डे आएंगे, यस सर मुझे भी यही कहना था, 3 प्लस संडे, संडे में 3 ऐड करो वेडनेसडे आता है, ये एक नई कैलकुलेशन हो गई है, तो नो सर क्लियर, यस सर, यस। चलो 7 बजे करेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए, अब टाइप 3 में क्या है बेटा, टाइप 3 में तुम्हारा ईयर सेम है, डेट सेम है, बस महीने का डिफरेंस है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रद्दी क्वेश्चंस हैं, ईयर सेम है मंथ का फर्क है, तो इसमें बच्चों के बहुत सारे डाउट मेरे पास आते हैं,
सर कौन सा महीना लें और कौन सा महीना ना लें, तो मैं आपको बताऊं, जो महीना एंड होता है, एंड के डेज जिस महीने में आते हैं उसको काउंट करेंगे। क्या मार्च के एंड के डे हमारे इसमें आएंगे? yes. बोलो। तो हम मार्च yes. की बात करेंगे, अप्रैल की बात करेंगे, मई की बात करेंगे, जून की बात करेंगे और जुलाई की बात करेंगे, हम अगस्त की बात ही नहीं करेंगे। ये लोगों को बहुत कंफ्यूज लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं फिर से बता दूं, हम ईयर उसकी बात करते जिसका फरवरी आता है, समझ में आया, और महीना उसकी बात करते जो एंड होता है। कुछ लोग बोलते सर अगस्त की बात क्यों नहीं कर, भाई अगस्त तो शुरू ही हुआ है, खत्म कहां हुआ, जो खत्म होता है उसकी बात करते हैं। क्लियर? यस सर। मार्च में कितने yes. होते हैं? 3। अगस्त? अगस्त 2। मई? 3। जनवरी सॉरी जून 2। जुलाई 3। टोटल कितने हो गए? 13 क्लियर? ये ऑल क्लियर? यस यस सर। इस क्वेश्चन में लगाओ अपना दिमाग। संडे संडे आ रहा है, देखते हैं। तो हमारा भैया रुको, तो संडे आ रहा है। मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ तक क्लियर है। नवंबर नहीं लेंगे क्योंकि नवंबर खत्म नहीं हो रहा है। चाहे तो अपने नोट्स में लिख लो, जो महीना एंड होता है उसकी बात करते हैं, जिस ईयर का फरवरी आता है उस ईयर की बात करते हैं, और दिन तो दिन है, दिन का बेचारे का क्या कहना, क्योंकि 23 मार्च से 23 कैंसिल होता है। तो मार्च के कितने? 3। अप्रैल के 2। मई के 3। जून के 2। जुलाई के 3। अगस्त के 3। सितंबर के 2। अक्टूबर के 3। मार्च के 3 है। इनसे रिमाइंडर कितना आएगा? 1। इनसे रिमाइंडर कितना आएगा? 1+5 7 आ रहा है, 0 आ रहा है, सही है कि नहीं? 0 प्लस संडे, संडे पटक जाएगा। क्लियर है? क्या आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गए? टाइप 1 डेट लिखी होगी, दिन बताना है, तो हमें 0 से कैलेंडर स्टार्ट करना है। टाइप 2 था आपका कि आपके केवल ईयर डिफरेंट है, तो वो ईयर लेनी है जिसका फरवरी आया है, चाहे तो लिख लो आप, चाहे तो इंग्लिश में अपने पास, कि जिसका फरवरी काउंट है केवल उस ईयर की बात करेंगे। टाइप 3 में मैंने बताया कि जो महीने एंड होता है, जिसके एंड के डेज हैं केवल उस पर डिपेंड करता है, तो केवल वो अपने लिए। अब हम टाइप 4 पर आ जाएं। अरे टाइप 4 पर आ जाएं। यस सर। टाइप 4 तो ये मान के चलो, इसका तो क्वेश्चन का होना ना होना एक बराबर है, इसमें महीना ईयर सेम है, तो महीने ईयर की बात खत्म। बताओ कितने दिन का डिफरेंस है? 26 26 26 डेज 26 इज द राइट आंसर। यस 26 26 और हां, बहुत डिफरेंस है। 26 26 का स्पेलिंग बड़ा है, 26 का स्पेलिंग छोटा है। चलो 26 डिवाइड बाई 7, 7 बजे, 5 मिनट खत्म कर रहा हूँ। 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज, 5 प्लस फ्राइडे, 5 प्लस फ्राइडे, 5 प्लस संडे, फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे क्या होता है? वेनसडे, वेनसडे, वेनसडे। क्लियर है? चलो सर, वेनसडे आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, वेनसडे आ रहा है, टेंशन ना ले। क्लियर? चलो आपके लिए ये शानदार क्वेश्चन, आपके लिए करो जल्दी फटाफट। सैटरडे
सैटरडे सर. तो 3 और 23 सैटरडे डिफरेंस है. सैटरडे 3 और 23 में कितना डिफरेंस है? 20 20 डिवाइड बाय 7 सैटरडे 6 odd days 6 संडे सैटरडे. क्लियर ऑल? क्लियर 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 सर. आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं. बाकी ये टाइप 5 कल देखेंगे. चलेगा? यस सर. चलेगा यस सर. चलेगा. तो आज की क्लास के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अटेंड की, और बाकी हम कल देखेंगे. ठीक है, तो मैं लेक्चर को खत्म कर देता हूं. बाय सर. बाय सर. गुड नाइट. स्वीट ड्रीम्स. थैंक यू सर. गुड नाइट ऑल ऑफ यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू.